अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में दिया बड़ा बयान। प्रदेश में सरकार बनाने की दिशा में एपीआई को अग्रसर होने का किया दावा। विशेष नीति के तहत सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ाने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में गुरु बालकदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान की छत्तीसगढ़ में सभी जगह चर्चा हो रही है। साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा सहित प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों में हलचल मच गई है। दरअसल विजय मानकर ने यहां पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ में बदलाव की नई इबारत लिखने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी 90 सीटों पर उनके उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। ये बताएंगे 90 विधानसभा की तैयारियां छत्तीसगढ़ में किस तरीके की तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के समक्ष पहुंचेंगे? एक तो 90 विधानसभा में हमारे कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट ऑल फाइनल हो गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है आदिवासी जो है और शेड्यूल कास्ट ओबीसी महिला है, युवा है, श्रमिक है, किसान है, सब लोगों को हम लोग टिकट दे रहे हैं। और एक विशेष नीति के आधार पर कि छत्तीसगढ़ को हम 5 सालों में पहले 5 राज्यों में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि यदि हम डेटा देखें तो छत्तीसगढ़ झारखंड और उड़ीसा के बाद तीसरा सबसे अमीर राज्य है खनिज संपदा नेचुरल संपदा में, लेकिन मानव विकास सूचकांक में छत्तीसगढ़ पीछे से दूसरे या तीसरे नंबर पर है। तो छत्तीसगढ़ को पहले 5 राज्यों में लाने के लिए विशेष क्रांतिकारी मानवतावादी कल्याण की नीति। विजय मानकर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी या फिर 7 से 8 विधायक जिताकर भाजपा और कांग्रेस को अपनी नीतियों के अनुसार कार्य करने बाध्य करेगी। उन्होंने कहा कि विशेष नीति के तहत अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ राज्य को पहले 5 राज्यों की सूची में लाने के लिए कार्य करेगी। हम चाहेंगे कि एपीआई की सरकार बने जिससे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह लागू हो सके, ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से 27% तक लाया जा सके। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक में छत्तीसगढ़ को आगे लाने का प्रयास होगा। आदिवासियों को 20% तक शेयर होल्डर बनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ को रोजगार इंडस्ट्री में आगे ले जाकर साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रदेश बनाया जाएगा। विजय मानकर ने दावा किया है कि एपीआई इस चुनाव में 10% वोट लेकर सरकार बनाने की ओर अग्रसर होगी या फिर एपीआई के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए हम स्वामीनाथन जो कमीशन है उसका रिपोर्ट पूरी तरह लागू करना चाहेंगे जो स्टेट के लिए है, ओबीसी का रिजर्वेशन 14 से जो है वो 27% तक ले जाना चाहेंगे, ओबीसी का सब प्लान लाना चाहेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है वो पेसा लॉ जो है 5th शेड्यूल में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है DMF को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको 20% तक शेयर होल्डर कैसे बनाया जाए उसके ऊपर हम काम करेंगे, जो संविदा के जितने कर्मचारी हैं जिनको 3 साल से ज़्यादा हो गए उनको परमानेंट करेंगे, पंचायत शिक्षा कर्मियों को जो है वो परमानेंट किया जाएगा, टैक्सेशन सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के बजट में टैक्स बड़े पैमाने पर छोड़ा गया है तो वो 86,000 करोड़ से जो है 25,000 करोड़ तक का बजट बनाया जा सकता है, GST का जो स्टेट प्रतिशत है उसको कम किया जाएगा और स्पेशली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इंडस्ट्री के ऊपर में जो है फोकस किया जाएगा और छत्तीसगढ़ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टेट बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये तमाम नीतियों का अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो छत्तीसगढ़ 5 सालों में पहले 5 नंबर में आ सकता है, यही एपीआई की नीति होगी। और ये चुनाव 90 सीटों का जो चुनाव है छत्तीसगढ़ का वो एपीआई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आपने एक बड़ा बयान दिया था 20 लाख वोटर्स के वोट आपको मिल रहे हैं आज की ही डेट में, उस पर क्या कहेंगे? वो श्योर हमको मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि 90 विधानसभा में जो हमने बूथ लेवल तक की तैयारी की है और ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है जो समाज में अच्छे लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं और जो बदलाव चाहते हैं, तो उनके साथ जनता बहुत बड़े पैमाने पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20-25 हज़ार से ज़्यादा वोटर अभी उनके साथ में है, तो इसलिए 20 लाख को तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, 10% ऑफ वोट्स को क्रॉस कर रहे हैं आज ही, और अभी 2-3 महीना और है चुनाव में, तो हमें पूरे भरोसा है कि हम लोग जो है एक अच्छा वोट परसेंटेज लेकर जो है एक इस तरह की सिचुएशन आएगी कि एपीआई की या तो गवर्नमेंट बनेगी या एपीआई के बगैर गवर्नमेंट नहीं बनेगी। एपीआई की जो नीतियाँ हैं इनको लोगों तक पहुँचाने के लिए किस तरह की व्यवस्था है? एक तो हम नीति पत्रों को राइटिंग में डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरा जो है कॉमन जनता को मीटिंग्स में बता रहे हैं, उसके बाद में वॉल पेंटिंग्स है, उसके बाद में होर्डिंग्स हैं, फिर मीडिया की जो हमारे जो मित्र हैं उनके थ्रू आपके थ्रू कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया का अपना एक रोल है बहुत बड़ा, उसका हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये तमाम चीज़ों को यूज़ करके जो है हम इसको जो है जनता तक ले जा रहे हैं। बीजेपी की वोट बैंक को बढ़ाने की बीजेपी को तो जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोग अभी नहीं चाह रहे हैं, मैं ये सेंस कर रहा हूँ क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ में भी घुमा हूँ,
कि बीजेपी की गवर्नमेंट का जो पिछले पाँच साल का और 15 साल का जो कार्यकाल है उसमें किसान बिल्कुल जो है वो खुश नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जिसको आप संविदा कहते हैं वो खुश नहीं है। यहाँ के जो है वो रिजर्वेशन में, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कम हुआ 16 से 12%, वो लोग खुश नहीं है। एट्रॉसिटीज़ की समस्या अभी भी है, इसलिए जो है SC ST के लोग जो है वो खुश नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो 15 साल की नीति है उससे कोई बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं छत्तीसगढ़ में जो है बदलाव सेंस कर रहा हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट इस बार नहीं बनेगी छत्तीसगढ़ में, ऐसा एक पिक्चर जो है वो नज़र आ रहा है।